हाय क्यूरीज, तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चॉकलेट केक बताने वाली हूँ जो आप बना सकते हो इस मदर्स डे पर अपनी मॉम के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, वेफ़र्स ले लेने हैं, तो कोई भी वेफ़र्स आप ले सकते हो, चॉकलेट या फिर वनीला वाले। तो आज मैं मैदा, बिस्किट, आटा कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिंपल सी क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इजीली घर पर बना सको, वो भी लॉकडाउन में। यार लॉकडाउन लग गया है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई है गाइस, क्या करेंगे सच्ची में। तो यहाँ पर मैंने 5 वेफ़र्स ले लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्रीम। तो गाइस, आप क्रीम नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह पर वाइट मेल्टेड चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास क्रीम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ट्रोपोलाइट की क्रीम का यूज़ किया है गाइस। आप वाइट चॉकलेट ले लो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत यमी आएगा। वाइट चॉकलेट भी नहीं लेना चाहते तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन बता सकती हूँ, आप वो ले सकते हो जो मलाई नहीं होती, दूध में से जो मलाई निकलती है उसके अंदर थोड़ी सी पाउडर शुगर डाल के आप ऐसे इसके ऊपर डाल दो। और उसके बाद आपको क्या लेनी है, हम सब की फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट। वाओ यमी यार। वैसे गाइस, मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे चॉकलेट रख दी, बट आप इसके दो दो पीसेस करके डालना तो खाने में इजी होगा आपके लिए। तो आप दो दो पीसेस ऐसे तोड़ के अगर डेयरी मिल्क के डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद साइड पे मैंने स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं, जो चॉकलेट स्प्रिंकल्स, कैंडी स्प्रिंकल्स होते हैं। और उसके बाद फिर से आप इसके ऊपर लगा दो 5 वेफ़र्स। तो गाइस, पहले मैं वनीला वेफ़र लेने वाली थी, बट आपने ज़्यादा वोट्स किए चॉकलेट केक के लिए तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट वेफ़र्स का यूज़ किया है और चॉकलेट मैंने डेयरी मिल्क ली है। आप कोई और भी लेना चाहते हैं तो वो भी डाल दो, बट यार चॉकलेट मैंने सीधी इसके ऊपर रख दी। आप अगर छोटे छोटे पीसेस करके रखोगे तो आपको खाने में ज़्यादा ईजी होगा। उसके बाद क्रीम से फिर से इसकी लाइनिंग कर दो, क्रीम से या फिर वाइट चॉकलेट से इसको पूरा कवर कर दो गाइस। और क्रीम लगाने के बाद ये जो वेफ़र्स हैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। उसके बाद आपको डेकोरेशन के लिए क्या लेना है, यहाँ पर मैंने ली हैं कैडबरी जेम्स और बिल्कुल सेंटर में मैं डाल दूँगी जेम्स। तो क्यूटीज़, वैसे तो ये बिल्कुल क्विक डेजर्ट रेसिपी है, कोई गेस्ट आए हो या फिर आप कोई डेज़र्ट, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो, कुछ यूनिक सी डेज़र्ट बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो। और मदर्स डे भी आ रहा है तो मदर्स डे पर अपनी मम्मा के लिए ऐसा केक बना सकते हो, बिल्कुल देखने में केक जैसा लग रहा है, तो ऐसा भी आप बना लो, डेजर्ट की तरह आप इसको बना लो, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। और यहाँ पर मैंने डाल दिए चॉकलेट स्प्रिंकल्स, जो रेनबो स्प्रिंकल्स होते हैं वो डाल दिए, और बाकी लेयर्स में आप जेम्स से इसको ऐसे डेकोरेट कर दो। एंड बीच में चॉकलेट आप कोई भी रख सकते हो, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, जो चॉकलेट आपको पसंद हो वो आप चॉकलेट रख लो और ऐसे क्विक डेजर्ट बना लो। और इसकी कंप्लीट फिनिशिंग के लिए साइड पे जो भी थोड़ा बहुत गिरा हुआ है उसे हटा दो ताकि प्रॉपर इसकी फिनिशिंग आ जाए। तो देखो, मैं इसको हिला के दिखा रही हूँ, वेफर्स इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं बिकॉज ये क्रीम से सारे एक दूसरे के साथ सेट हो गए हैं। तो यार लास्ट मिनट पर सबसे इजी क्विक डेजर्ट आप बनाओ, मम्मा को खिलाओ, किसको मर्जी खिलाओ, बहुत अच्छा लगता है एंड खाने में बहुत टेस्टी बनता है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाऊंगी। बाय।